विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, नमस्कार। फ्लैजेलर मूवमेंट के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आपका जो मेडिकल एंट्रेंस का जो सिलेबस है, इसमें तीन टाइप के जो मूवमेंट है वो आपके सिलेबस में है, जिसमें सिलियरी मूवमेंट है, फ्लैजेलर मूवमेंट है और मस्कुलर मूवमेंट है। तो सिलियरी मूवमेंट जो है, इसके बारे में हम जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें हम सिलियरी मूवमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो फ्लैजेलर मूवमेंट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर देखिए, तो ये देखिए फ्लैजेलम ऑफ अ स्पर्म सेल। तो हमको एक स्पर्म सेल दिखाया गया है, स्पर्म दिखाया गया है और उसमें आप फ्लैजेलम जो है वो देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम ही है, 9+2 जो माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट जो हमने सीलिया में भी देखा था, तो फ्लैजेलम जो है उसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। 9+2 स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूबुल की, जो हमने लास्ट टाइम पे हमने बात किया था पिछले लेक्चर में। अब ये देखिए फ्लैजेला, ठीक है। तो इसमें जो है फ्लैजेला यानी कि विप, और जो सिंगुलर है उसका तो सिंगुलर होता है फ्लैजेलम। तो देखिए फ्लैजेलम जो है आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सीलिया। फ्लैजेला की जो रचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया जैसा ही होता है, बट आर टिपिकली मच लॉन्गर। लेकिन फ्लैजेला की जो लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्लैजेला यूजुअली मूव एन एंटायर सेल। और फ्लैजेला जो है वो क्या काम करता है, तो फ्लैजेला जो है पूरा का पूरा जो सेल है उसका मूवमेंट करता है, ठीक है। अ फ्लैजेलम जनरेट फॉरवर्ड मोशन अलोंग इट एक्सिस बाय रैपिड विगलिंग इन अ वेव लाइक पैटर्न। फ्लैजेलम जो है वो क्या करता है, फ्लैजेलम अपना जो एक्सिस है, फ्लैजेलम क्या करता है अपना जो एक्सिस है, खुद का जो एक्सिस है फ्लैजेलम का, तो उस एक्सिस पे रैपिडली यानी कि बहुत जल्दी विगलिंग इन अ वेव लाइक पैटर्न। ये एक प्रकार की ये जो है ये मूवमेंट का पैटर्न है, विगलिंग इन अ वेव लाइक पैटर्न। इसको हम फिगर से हम समझेंगे ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए विगलिंग लाइक अ वेव लाइक पैटर्न, यहाँ पे देखिए आप ये जो मूवमेंट है इस तरह से हो रहा है, ये ऐसे फिर ऐसे ऐसे इस तरह से विगलिंग लाइक अ वेव लाइक। तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही फ्लैजेलम है, लेकिन वो किस तरह से उसका विगलिंग वेव लाइक जो पैटर्न है उसमें मूवमेंट होता है वो आप फिगर से आप समझ पाएंगे, और ये एरो जो है उससे आप समझ पाएंगे। और ये जो मूवमेंट है उसके कारण देखिए आप यहाँ पे सेल सरफेस दिखाया है, और मान लीजिए कि आगे वाला जो पोर्शन है, तो आगे वाला जो पोर्शन है तो ये क्या होगा, तो ये स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल का यहाँ पे बॉडी है, और ये स्पर्म सेल की मान लीजिए कि टेल है। तो टेल जो है किस तरह से मूव करती है और उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ सेल, तो किस तरह से जो स्पर्म है वो आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्लैजेलर मूवमेंट है तो उससे क्या होता है कि जो जो आगे जो सेल बॉडी है उसको एक जात का पुश मिलता है, उसको एक जात का धक्का लगता है, और वो धक्का या तो जो पुश है उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ सेल, पूरा जो सेल है उसकी मूवमेंट हो जाती है। तो इस तरह से जो फ्लैजेला जो है वो किस तरह से मूवमेंट करती है, तो यहाँ पे हम याद रख रहे हैं ये जो बात है, फ्लैजेलम जनरेट फॉरवर्ड मोशन, आगे की ओर मोशन को ये प्रमोट करती है सेल के, और ये मूवमेंट कहाँ पे होती है, अलोंग इट्स एक्सिस, और ये कैसे होती है, रैपिडली विगलिंग, बहुत ही जल्दी से विगलिंग इन अ वेव लाइक पैटर्न। फिर दी ओनली एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजेलम इन दी ह्यूमन बॉडी इज अ स्पर्म सेल टेल। जो मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर में जो एक ही ऐसा मात्र जो कोश है जो है शुक्रकोश या तो शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म सेल या तो स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ या तो स्पर्म सेल का जो टेल है वही फ्लैजेला जो है उसका एग्जाम्पल है, फ्लैजेलम का एग्जाम्पल है। और ये जो फ्लैजेलम जो है विच
propels the sperm toward the oocyte in the uterine tube. तो sperm जो है, sperm की जो tail है, उसकी जो movement है flagella, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो sperm cell जो है, spermatozoa जो है, वो uterine tube में जहाँ पे oocyte है, उस तरफ वो आगे बढ़ता है। वहाँ तक जो sperm है, कहने का मतलब fallopian tube में, या तो यूटराइन ट्यूब में या तो ओविडक में, जहाँ पे वो साइड है वहाँ तक पहुँचेंगे जो टेल है फ्लैजेला या तो फ्लैजेलम, उसके उसकी हेल्प से, उसकी मदद से। फिर यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो फिगर है, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो लेक्चर थे उसमें हम ये सब बातें जो हैं, ये आता है स्टेज, तो स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में तो हम हालांकि पहले भी हम डिस्कस कर सकें कर चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस जो है उसमें, ये फिगर हमने तब भी देखा था, फिर भी आप यहां पे देख सकते हैं इस फिगर को। तो किस तरह से जो टेल है इसका डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से जो मैच्योर स्पर्म है वो बन रहा है, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन क्या होता है स्पर्म में, इस तरह से ये फिगर हमको दिखा है यहाँ पे। फिर ये जो है, ये दी स्पर्मेटोजोआ जो ह्यूमन स्पर्म, तो उसके बारे में भी हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सारी बातें। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे, तो देखिए जो स्पर्म जो है उसका जो टेल है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो है उसका जो टेल है इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। तो ये तीन रीजन कौन से हैं, मिड पीस है एक तो, फिर प्रिंसिपल पीस है और दी एंड पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल पीस जो है, इसकी अगर लंबाई देखें तो 40 से 45 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है, और ये प्रिंसिपल पीस किसका बना हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द टेल। प्रिंसिपल पीस क्या करता है, जो टेल जो है स्पर्म की, उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो प्रिंसिपल पीस से बनता है, और प्रिंसिपल पीस किसका बना है, तो कंसिस्ट ऑफ द एक्सोनिम। प्रिंसिपल पीस की रचना में क्या होता है, एक्सोनिम होता है सराउंडेड बाय अ शीथ ऑफ सपोर्टिव फाइबर, ठीक है। ये एक्सोनिम को, एक्सोनिम के इर्द गिर्द क्या होती है, सपोर्टिव फाइबर की शीथ होती है। फिर एंड पीस की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 4 से 5 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है एंड पीस की, और ये एंड पीस किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ द एक्सोनिम ओनली एंड इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो एंड पीस जो है वो स्पर्म का सबसे नैरोएस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है, ये देखिए फिगर, इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और इसमें देखिए अब यहाँ पे प्रिंसिपल पीस ऑफ अ टेल, फिर यहाँ पे एंड पीस ऑफ अ टेल, यहाँ पे प्रिंसिपल पीस और फिर ये वाला एंड पीस, ठीक है। तो प्रिंसिपल पीस में और एंड पीस में क्या अंतर है वो भी अभी हमने बात करी है ना। तो ये इस तरह से, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ये जो है, इतना जो है, ये देखिए पूरा फ्लैजेला के बारे में ये पूरी जो बातें हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, इतना फिर से रिपीट हो रहा है। फिर ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये तो खैर सीलिया है, स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम, तो उसी तरह से फ्लैजेलम का भी स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, 9+2 अरेंजमेंट। फिर यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है सीलिया एंड फ्लैजेला, तो ये देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सीलिया की और फ्लैजेला की, तो लोकेशन इन द बॉडी, तो यहाँ पे देखिए ये स्पर्म सेल दिखाए हैं, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटोग्राफ हमको दिखा रहे हैं, और स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में, तो देखिए तो स्ट्रक्चर में लिखा है सिंगल लॉन्ग
एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर एज सिलिया। ठीक है, तो जो आंतरिक रचना जो है वो फ्लैजेलम की बिल्कुल सिलिया के बराबर होती है, 9+2 माइक्रोटिब्यूल की अरेंजमेंट। फंक्शन की अगर बात करें फ्लैजेलम के, तो देखिए जो टेल है फ्लैजेलम, तो जो विप लाइक मोशन है ये वाली जो है, ये देखिए इस तरह से ये विप लाइक मोशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आगे वाला जो पार्ट है स्पर्म का, जो बॉडी वाला जो पार्ट है, उसको प्रपेल यानी एग्जिट का पुश यानी जो धक्का लगता है, उसकी वजह से जो सेल जो है, स्पर्म जो है, वो लिक्विड में आगे बढ़ते हैं। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। चलिए अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के बारे में। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है स्पॉन्ज के बारे में, स्पॉन्ज जो है तो ज़्यादातर जो स्पॉन्ज होती हैं लिव इन अ सॉल्ट वाटर, यानी ओशियन जो है, समुंदर जो है, इनमें समुद्र के पानी में ये स्पॉन्ज पाई जाती हैं। और ये कहाँ पे होता है, तो जो बॉटम जो है ओशियन में, तो अटैच टू ऑब्जेक्ट ऑन द सी फ्लोर, तो जो सी फ्लोर होता है वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, तो उसके साथ ये चिपक के स्पॉन्ज रहती है। तो ज़्यादातर तो समुद्र के पानी में है, सॉल्ट वाटर में होती हैं स्पॉन्जेस। फिर इसके अलावा लेस देन 200 स्पॉन्ज स्पीसीज इनहैबिट फ्रेश वाटर हैबिटेट, और ऐसा नहीं है कि खाली समुंदर में ही स्पॉन्ज पाई जाती हैं, तकरीबन 200 जितनी जो स्पॉन्ज की जो स्पीसीज हैं वो फ्रेश वाटर यानी कि जो जैसे कि नदी हो गई, तो उनमें भी ये नदी वगैरह में भी, तालाबों में, इनमें भी ये स्पॉन्ज की स्पीसीज पाई जाती हैं कुछ। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा जो है ये एक स्पॉन्ज का फिगर आप देख सकते हैं। अब देखिए तो स्पॉन्ज का ये जो बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल के अंदर स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो स्पॉन्ज का जो बॉडी वॉल है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो पोर्स हैं इससे क्या हो रहा है, ये पोर क्या काम में आते हैं, और ये जो बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल में जो एक प्रकार के जो सेल हैं, अलग अलग प्रकार के सेल हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि बॉडी वॉल में अंदर की ओर ये सेल होते हैं कोएनोसाइट। ठीक है, कोएनोसाइट जो पूरा जो सेल है वो आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये वाले, देखिए ये जो है, ये सारे ये जो सेल हैं यहाँ पे, ये सारे जो हैं, ये जो सारे सेल दिख रहे हैं आपको इनर बॉडी वॉल में स्पॉन्ज के अंदर की ओर, ये सारे जो सेल हैं, तो ये सारे सेल जो हैं ये कोएनोसाइट सेल हैं। और कोएनोसाइट सेल में ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे कोएनोसाइट सेल जो हैं इसमें फ्लैजेलम आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये फ्लैजेलम जो है इसका काम क्या होता है, तो ये देखिए अब अंदर यहाँ पे जो कोएनोसाइट है, ये सारे जो कोएनोसाइट है, ठीक है, और ये देखिए ये जो है, ये सारे, ये सभी में ये आपको फ्लैजेलम देखने को मिलेंगी। तो ये फ्लैजेलम जो है इनका क्या होता है, फ्लैजेलम का बीटिंग होता है, है ना, फ्लैजेला जो है इनकी बीटिंग मूवमेंट जो है, उन बीटिंग की वजह से क्या होता है, समुंदर का जो पानी है, समुंदर का पानी, ये जो पोर्स हैं बॉडी में, जो पोर्स हैं, ये पोर्स के मार्फत पानी जो है वो अंदर आता है। ठीक है, तो पानी जब अंदर आता है तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर में क्या दिखा है, फूड पार्टिकल जो हैं, फूड पार्टिकल भी क्या होते हैं, पानी के साथ में अंदर आते हैं। तो ये देखिए आप, इंटीरियर ऑफ स्पॉन्ज और वाटर करंट इनटू स्पॉन्ज, ये पानी किस प्रकार से स्पॉन्ज के अंदर जाता है वो दिखा है। तो ये पानी जब अंदर जाता है तो उसके साथ में जो फूड पार्टिकल है वो भी अंदर चले जाते हैं, और फिर जो स्पॉन्ज जो है, तो इसका जो न्यूट्रिशन पाने का जो तरीका है, डाइजेशन का जो तरीका है वो आप देखिए, तो ये देखिए फूड पार्टिकल इन म्यूकस
और फिर यहाँ पे फेगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल, तो फूड पार्टिकल का फेगोसाइटोसिस करके ये अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अब हाइड्रा जो है, हाइड्रा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हाइड्रा जो है पूरा देख लेते हैं। ये जो देखिए आप हाइड्रा, तो पूरा जो आपने ये टॉपिक जो है ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पूरा। तो यहाँ पे आप देखिए टेंटिकल दिख रहे हैं, माउथ दिख रहे हैं, फिर ये जो बॉडी जो है इसका क्रॉस सेक्शन। तो हाइड्रा के बॉडी का जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इसमें देखिए आप आपको क्रॉस सेक्शन में आपको एपिडर्मिस, फिर बीच में मेसेनकाइम, और अंदर आपको जो लेयर मिलेगा उसको गैस्ट्रोडर्मिस, और फिर यहाँ पे गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, फूड दिखाया है। और ये जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे एनलार्ज किया है। और यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे भी देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। तो अंदर जो हाइड्रा के बॉडी में जो कैविटी है उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। ये सिलेंट्रॉन जो है नाम लिखा है आपको, ये देखिए सिलेंट्रॉन, और ये जो है ये इसकी बॉडी वॉल है। तो हाइड्रा की जो बॉडी वॉल है इसमें आप देखेंगे तीन प्रकार के जो सेल हैं, एंडोडर्म, फिर बीच में मेजो ग्लिया बताया है, और सबसे बाहर जो है वो एक्टोडर्म। इस तरह से है ये एनला, इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप ये जो फिगर है इसमें भी आप देखिए पूरा हाइड्रा का जो बॉडी वॉल है इसमें अंदर वाला जो सेलुलर लेयर है जिसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और गैस्ट्रोडर्मिस जो है इसमें जो सेल हैं वो देखिए आप, ये देखिए नाम लिखा है गैस्ट्रोडर्मिस, बाहर वाला अपाइडर्मिस, और इन दोनों के बीच में ये रहा मेजो ग्लिया, ठीक है। चलिए तो अब ये गैस्ट्रोडर्मिस जो है इसमें देखिए ये रहा एंडोथेलियल ग्लैंड सेल दिखाए हैं, अलग अलग प्रकार के सेल जो हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एंडोथेलियल मस्कुलर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो गैस्ट्रोडर्मिस के जो सेल हैं उनके सरफेस पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्लैजेला जो है पाई जाती है। तो ये फ्लैजेला जो है इसका काम क्या है, हाइड्रा का जो न्यूट्रिशन है इसमें, तो ये देखिए हाइड्रा के न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो दी फ्लैजेला ऑफ सर्टन गैस्ट्रोडर्मल सेल, जो अभी हमने देखा कि गैस्ट्रोडर्मल जो सेल है, यहाँ पे भी आप देखिए ये जो है ये गैस्ट्रोडर्मल सेल हैं जिनके सरफेस पे यहाँ पे फ्लैजेला मौजूद है। तो द फ्लैजेला ऑफ सर्टन गैस्ट्रोडर्मल सेल सर्कुलेट फ्लूइड इन द सिलेंट्रॉन ऑफ हाइड्रा बाय रेगुलर बीटिंग, ठीक है। तो गैस्ट्रोडर्म हाइड्रा में क्या, हाइड्रा के बॉडी में क्या होता है, हाइड्रा के बॉडी में जो गैस्ट्रोडर्मल सेल जो हैं इसकी जो फ्लैजेला हैं इनका क्या होता है, कंटिन्यूसली बीटिंग होता है, और उसकी वजह से वो बीटिंग की वजह से हाइड्रा का जो सिलेंट्रॉन है उसमें जो फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो फ्लूइड का सर्कुलेशन करना वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, तो ये जो फ्लैजेला है गैस्ट्रोडर्मल सेल के सरफेस पे उसकी वजह से ये पॉसिबल होता है, ठीक है, फ्लूइड का सर्कुलेशन सिलेंट्रॉन में हाइड्रा में। तो पूरा जो फिगर है हम देख लेते हैं इस तरह से। और ये आखिरी जो पॉइंट है आज की डिस्कशन का कि देखिए स्पर्म स्पर्म जो है स्विम इन वाटर और इन फीमेल जेनेटल ट्रैक बाय फ्लैजेला मूवमेंट। अब एनिमल किंगडम तो हम जानते ही हैं बहुत ही बड़ा है, और
कुछ जो प्राणी हैं, जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, उनमें क्या होता है कि स्पर्म जो मेल है वो जो स्पर्म है सीधा ही पानी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, और फिर कई बार क्या होता है कि जो पानी के अंदर ही स्पर्म जो है और ओवम जो है वो जुड़ता है, स्पर्म ऐसी कंडीशन में स्पर्म जो है वो स्विम करता हुआ तैरता हुआ ओवम के पास जाएगा, और स्पर्म और ओवम जुड़ के फिर जायकॉट बनते हैं, फिर उसी में से फिर आगे सेल डिवीजन होकर लार्वल स्टेज जो है उसका डेवलपमेंट होता है, और फिर उसी में से मैच्योर एनिमल का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है कुछ एक्वेटिक जो स्पीसीज है उनमें है। हालांकि अगर हम मनुष्य की बात करें, इंसानों में अगर देखें तो जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक जो है उसमें जो फ्लैजेलर मूवमेंट है उसकी वजह से तो यूटेराइन जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, उसमें आगे बढ़ता हुआ जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करके जायगोट बनाता है। तो इस तरह से ये सारी जो एग्जांपल हैं, तो ये सारे फ्लैजेला के एग्जांपल हैं। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है फ्लैजेला मूवमेंट के बारे में, तो ये लेक्चर अब यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।